भारतीय टीम ये मैच जीत गई है। भारत ने बांग्लादेश को हरा दिया है, बांग्लादेश को शिकस्त दी है। अब ऐसा पाकिस्तानी व्यूवर देखूं तो भाई मैं जिसको कहता हूं ना पाकिस्तान को अपना सामान पैक कर लेना चाहिए, तो मैच खत्म हो गया, तो इंडिया मैच जीत गया। और सूर्य कुमार यादव एक बंदा जाता दूसरा जाता है। आज सूर्य कुमार यादव नंबर वन T20 का बल्लेबाज बन चुका है रैंकिंग के अंदर, और दूसरा विराट कोहली। और भाई विराट कोहली क्या मैं अब बयान करूं के, मतलब विराट कोहली तो ऐसा फॉर्म के अंदर आया है T20 वर्ल्ड कप के हिस्ट्री के सबसे ज्यादा रन करने वाला प्लेयर बन चुका है। और दोस्तों जैसे कि हमने कहा था कि बहुत सारे पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि बांग्लादेश वालों आप इंडिया से जीत जाओ, हम आपको आगे पुश करेंगे, लेकिन इनको नहीं पता कि ये लोग किससे पंगा ले रहे हैं। इंडिया के जितने भी मैच होंगे, जिस जिसके साथ भी होंगे, जिम्बाब्वे के साथ है, वो सबको टक्कर मार के सबको बाहर फेंकेगा, जैसे आज बांग्लादेश को फेंका गया है। जो लोगों ने हमेशा बड़ी बड़ी बातें की हैं दोस्तों, इतने ही बुरी तरीके से मार खाई है उन लोगों ने। साल चढ़ा ही विराट कोहली के लिए, मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आज भी 64 किया उन्होंने। आई थिंक इंडिया हैड प्लेड अ रियली गुड गेम और डिजर्व करते हैं आज इतना। KL राहुल इंडिया की तरफ से, आई गेस ही इज गॉट एवरीथिंग इन हिम। देखिए इंडिया जिस तरह ऊपर जा रही है, ऐसा ऐसा ये कुछ ही कर सकती है। लेकिन उनका एक जो मेन बात है सूर्य कुमार यादव, मुझे लगता है कि ही इज द बेस्ट मिड ऑर्डर बैट्समैन एट द मोमेंट। जय हिंद दोस्तों, निशुल रिएक्ट में आपका स्वागत है। आज के मैच में जो बांग्लादेश को पटकनी दी है, इससे तो मजा ही आ गया। बांग्लादेश जो छोटे में बड़ी बात कर रहा था और समझ लीजिए कि भारत के लिए गड्ढा खोदने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसका कहना था कि भारत वो यहाँ पे वर्ल्ड कप जीतने नहीं, भारत को अपसेट करने आए, वो यहाँ से वर्ल्ड कप से निकालने आए हैं, उनके लिए वही वर्ल्ड कप जीतने जैसी चीज़ होती। लेकिन दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहे तो आप ही उस गड्ढे में गिरोगे। साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव, KL राहुल और विराट कोहली की बैटिंग मज़े ही आ गए देखने में, उसके साथ हरदीप सिंह और हार्दिक पांड्या, तो चेरी ऑन क्रीम जैसी कंडीशन हो गई। और पाकिस्तान मीडिया फिर से जल भूल कर राख हो गई है। तो चलिए पाकिस्तानी साल और चढ़ा ही विराट कोहली के लिए, और वर्ल्ड कप विराट कोहली के लिए ही कराया है। मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आज भी 64 किया उन्होंने, टॉप स्कोर आई थिंक 210 या 12 टॉप लीडिंग स्कोर। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है, और मुझे ये भी यकीन हो चुका है कि जिस फॉर्म में वो हैं उसको बरकरार रखते हुए आने वाले वक्तों में और भी रन करेंगे। आई थिंक इंडिया हैड प्लेड अ रियली गुड गेम और डिजर्व करते हैं आज जीतना। पाकिस्तान इस रैंक के इंडिया आज लूज कर जाए किस तरीके से, ताकि हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत सके। बट साउथ अफ्रीका खिलाफ जो मैच होगा पाकिस्तान का, इस गेम वन हेल ऑफ अ गेम। और दोस्तों जैसे कि हमने कहा था कि बहुत सारे पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि बांग्लादेश वालों आप इंडिया से जीत जाओ, हम आपसे हार जाएंगे, आपको आगे पुश करेंगे। लेकिन इनको नहीं पता कि ये लोग किससे पंगा ले रहे हैं। ग्रुप बी का बेताज बादशाह मैं झुकेगा नहीं साला इंडिया की टीम है। इंडिया के जितने भी मैच होंगे, जिस जिसके साथ भी होंगे, जिम्बाब्वे के साथ है, वो सबको टक्कर मार के सबको बाहर फेंकेगा, जैसे आज बांग्लादेश को फेंका गया है। देखिए हार जीत जो है वो खेल का हिस्सा है, लेकिन बड़ी बात छोटा मुंह दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात होती है। और हमें बांग्लादेश के कैप्टन शकीब उल हसन ने कहा है, हम वर्ल्ड कप जीतने नहीं, इंडिया को अपसेट करने आए हैं। समझ में नहीं आता कि ये क्यों कहा गया है, उन्होंने ये बात क्यों कही है, बांग्लादेशी कैप्टन ने ऐसी बात क्यों कही। लेकिन हमें सिर्फ एक बात समझ में आती है, हमेशा हमने देखा है कि जिस बंदों ने बड़ी बड़ी बातें की है उनको हमेशा मार खानी पड़ी, लात और जूते खाने पड़े। अगर वो इंडिया की जिद में उन्होंने ये बात की है या इंडिया की टीम को लेकर उन्होंने ये बात की है, तो फिर इनको नहीं भूलना चाहिए कि तुम लोगों को बचाने वाला भी इंडिया ही था। फुल सपोर्ट इंडिया की टीम को, बांग्लादेश टीम को ऐसे सबक सिखाना कि पूरी जिंदगी याद रखे। जो लोगों ने हमेशा बड़ी बड़ी बातें की हैं दोस्तों, इतने ही बुरी तरीके से मार खाई है उन लोगों ने। अब एज अ पाकिस्तानी व्यूवर देखूं तो भाई मैं जिसको कहता हूं ना पाकिस्तान को अपना सामान पैक कर लेना चाहिए, तो वैसे भी हमारे जिसको कहते हैं फ्रीका के खिलाफ कोई चांस नजर नहीं आ रहा, तो क्यों है उम्मीद लगानी थी मैच से, तो मैच खत्म हो गया, तो इंडिया मैच जीत गया। फिलहाल जिसको कहते साफ सी बात है, इंडिया फेवरेट हो गया इस मैच के अंदर, पाकिस्तान को कहते टाटा बाय बाय वर्ल्ड कप से होने वाला है। ये पाकिस्तान की अपनी गलती है, जिम्बाब्वे से जीत रहा है, नीदरलैंड जीत सकती है, जिम्बाब्वे से बांग्लादेश जीत सकता है, पाकिस्तान क्यों नहीं जीत सकता था। बड़ा दुख है, बड़ा जिसको कहते हैं शिकवे है, ये टीम डिजर्व भी नहीं करती सेमीफाइनल में जाना। देखो उम्मीद लगा के बैठे हो जो होना भी नहीं है। रोहित शर्मा के आउट होने के बावजूद कितने ज्यादा उन्होंने रन्स बना दिए हैं, और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं KL राहुल की आज की 130 वर्ड में डिस्क्राइब करूं, क्योंकि उसने जो शॉट खेली है ना, पहला लेग का छक्का, उसके बाद उसने कवर का छक्का मारा था, क्या छक्के उसने मारे। और सूर्य कुमार यादव एक बंदा जाता दूसरा जाता है, आज सूर्य कुमार यादव नंबर वन T20 का बल्लेबाज बन चुका है रैंकिंग के अंदर, मुबारक हो जी। पाकिस्तान का बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने बड़ी कोशिश की, लेकिन देख लो जो अच्छी क्रिकेट खेलता है वो नंबर वन बन ही जाता है। फाइनली वर्ल्ड कप की सिचुएशन में आके इस लड़के ने अपने आप को इसको कहते हैं नंबर वन साबित किया, और जचता भी है, नंबर वन नजर आ रहा है, टीम के लिए खेलता, अपने लिए नहीं खेलता, आते साथ ही तेज होने लग जाता है, टुक टुक नहीं लगाता, 176 का स्ट्राइक रेट, इतना स्ट्राइक रेट मैंने नहीं किसी का देखा। इसके फायदा क्या होता है, उसकी टीम का फायदा होता है, नंबर वन T20 का बल्लेबाज बन गया, मुबारक हो इंडिया को, क्या जबरदस्त किस्म का प्लेयर लेकर आए हैं, खेला है वर्ल्ड कप के अंदर जाके नंबर वन बन गया, इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है एक प्लेयर के लिए। और दूसरा विराट कोहली, और भाई विराट कोहली क्या मैं अब बयान करूं के, मतलब कि विराट कोहली तो ऐसा फॉर्म के अंदर आया है,
T20 वर्ल्ड कप के हिस्ट्री के सबसे ज्यादा रन करने वाला प्लेयर बन चुका है। विराट कोहली को तो बस समझ से बाहर है कि कैसे डिफाइन किया जाए। विराट कोहली क्या जबरदस्त किस्म की उसने इनिंग्स खेली है, मजा आ गया विराट कोहली की बल्लेबाजी देखते हुए। इससे पता चलता है कि आप भरे टूर्नामेंट के कितने अच्छे प्लेयर हैं। आज इसको देखें, आज बड़ी जबरदस्त किस्म की इंडिया की तरफ से परफॉर्मेंस है, जो इतने रन बने, लेकिन इसके अंदर मैं तस्कीन अहमद को क्रेडिट दूंगा। उस लड़के ने क्या जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की है, लेकिन जो उन्होंने शरीफुल इस्लाम को खिलाया था और हसन लड़का, उनका तो जो आपके सामने हाल हुआ आपने देख लिया हुआ, क्या जबरदस्त। KL राहुल इंडिया की तरफ से, आई गेस ही इज गॉट एवरीथिंग इन हिम। देखिए वो ऑन दी अप खेलते हैं और इस फॉर्मेट में तो आइडियल है आपको ऑन दी अप खेलना। देखिए इंडिया जिस तरह ऊपर जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता ये कुछ भी कर सकती है। उनका एक जो मेन बात है सूर्या कुमार यादव, मुझे लगता है कि ही इज द बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन एट द मोमेंट इन T20 क्रिकेट। 170 के स्ट्राइक रेट पे इस सिचुएशन में उसको अपना गेम प्लान बहुत अच्छे से याद है और वो बॉलर के माइंड के साथ खेलता है। वो बॉलर को देखता है कि अगर मुझे इसने फुल किया तो अगला बॉल ये शॉट करेगा, मुझे अगला बॉल ये आउटसाइड ऑफ स्टंप करेगा या मेरी तरफ करेगा। और जिस तरह वो उसने विकेट गिरने के बाद टीम को लेकर चला है, आई थिंक ये बाकी लोगों को भी इस चीज को देखना।